ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड नो गुड आफ्टरनून। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जूम मीटिंग अब फुल हो चुका है, तो और भी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से कुछ बच्चे यूट्यूब पर भी शिफ्ट हो जाए, ताकि वहां पर आपको ये लाइव चीजें सेम चीज दिखाई देगी, वहां पर जुड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट है कुछ बच्चों से कि आप लोग यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए और ये यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। तो अब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड प्रिंसिपल। टुडे द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज द साइंस बिहाइंड हाउ टू कीप सेफ फ्रॉम कोविड। आज अपना जो लेक्चर है वो कोविड कोरोना वायरस को लेकर है, और हम जान रहे हैं कि कई कोविड जो है 2 सालों से पूरे वर्ल्ड में ही नहीं, पूरे अपने भारत में भी काफी तरीके से ये फैला हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। करीब 4 करोड़ तक लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए हैं और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर भी मृत्यु हुई है। तो अभी जो है न्यू वेरिएंट भी आ गया है कोविड को लेकर, नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है और ये भी काफी फैल रहा है। तो ऐसे में सभी बच्चों को, टीचर्स को और भी लोग हैं, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन ने एक लेक्चर रखा है, और ये लेक्चर जो है अथक प्रयास, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूपी एंड बीएमसी बिरहम मुंबई कॉरपोरेशन। आपने सुना होगा कि कोविड काल में बीएमसी ने कितने वर्ग के लोगों का आइसोलेट करना है, किन लोगों को कहाँ पर एडमिट करना है, हॉस्पिटल की क्या सुविधाएं करनी है और ऑक्सीजन के कहाँ पर सप्लाई करना है। तो ये सभी चीजों में बीएमसी काफी इन्वॉल्व रहा। तो ये बीएमसी की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र मुंबई की तरफ से और मिलेनियम इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम को रखा गया है, और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप किया है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई ने, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप किया है। तो इन सभी संस्थानों को धन्यवाद प्रकट करते हुए, और आज जितने भी बच्चे जो आज लेक्चर को अटेंड करने के लिए शामिल हुए हैं, सुन रहे हैं लेक्चर को, तो उन सभी बच्चों को भी हमारा आमंत्रण है आज के प्रोग्राम में, और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि सभी बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हमारे साथ जो लेक्चर जो है वो देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जो है डॉक्टर नुपुर पंत है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एम्स फ्रॉम नई दिल्ली से PhD है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर नुपुर मैडम जुड़ी भी है। तो हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब इस थोड़ी देर में हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जो है वो टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लॉग आउट हो चुकी है, तो इसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए। काइंडली स्टूडेंट्स शिफ्टेड द यूट्यूब सो आवर एक्सपर्ट विल बी जो तो बच्चों आप लोग जल्द से जल्द YouTube पर शिफ्ट हो जाएं, 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर दें। इसमें से कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube पर भी आ जाइए। नुपुर मैडम प्लीज अनम्यूट योर माइक। नुपुर मैडम कैन यू अनम्यूट योर माइक? Are you listening to me? नुपुर मैडम अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। तो स्टूडेंट जस्ट वेटिंग 2 मिनट्स, हमारे एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा माइक कन्म्यूट हो जाए, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नुपुर मैडम आपको होस्ट हो, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए।
हेलो सर। हेलो सर, वी कांट हियर यू। यस सर, वी कांट हियर यू। यस सर, वी कांट हियर यू। ओके, जस्ट वन मिनट बेटा, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी है तो थोड़ा सा उनको माइक को म्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा, तो जस्ट वन मिनट सेकंड। नुपुर मैडम, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। इसमें से मोस्टली स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए कुछ बच्चे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये मीटिंग काफी फुल हो चुका है, तो और बच्चे जुड़ जाए अपने साथ। व्हिच ऑफ द व्हाट इज यू आर नॉट लाइव इन यू बेटा, दिस प्रोग्राम इज लाइव आल्सो, यू कैन वॉच द अबव साइड ना। जस्ट वन मिनट, मैंने आपको ना चैट बॉक्स में भी ये लाइव के मैसेज डाल दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। यस, दिस इज द लाइव स्ट्रीम। नुपुर मैडम, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी है, तो कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएं, बस हम दो मिनट में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है, द साइंस बिहाइंड हाउ टू कीप सेफ फ्रॉम कोविड, आज हम जानेंगे वैज्ञानिक तरीके से ये कोरोना वायरस है क्या, ये कैसा बना होता है, और जो आजकल वेरियंट जो हो रहे हैं, चेंजेज जो आ रही है इनमें, तो वह कैसे चेंजेज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये चेंजेज आने के बाद ये हमारे बॉडीज पर जो लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, तो किस टाइप से अलग है डेल्टा से या प्लांट वेरिएंट से। और ऐसे में अभी स्कूल खुल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, तो इन सभी चीजों के भी बारे में हमारे एक्सपर्ट जो है कोविड गाइडलाइंस को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आपसे बात करेगी। तो जस्ट वन मिनट, कुछ टेक्निकल इशू हो रहे जिसके वजह से हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही, तो जस्ट वन मिनट में आई एम स्टार्टिंग।
तो स्टूडेंट्स अभी टाइम लेट हो रहा, तो कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए और अपने एक्सपर्ट जुड़ जाए। थोड़ा सा एक मिनट टाइम लगेगा आप लोगों को, तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नुपुर मैडम, आप ऑडिबल है यार, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। नुपुर मैडम, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप। नुपुर मैडम, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, मेरा वॉइस क्लियर है? आ रहा है वॉइस? यस यस, प्लीज कंटिन्यू मैडम। ठीक है, तो मैं स्क्रीन में अपना स्क्रीन में ये स्लाइड्स, यस यस सर, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, मैं ये जो स्लाइड्स हैं, आई थिंक ये स्लाइड्स मैं मूव कर सकती हूँ। ये जर्म्स वाला स्लाइड आ गया है। ठीक है, स्लाइड्स में खुद मूव करूंगी। ओके 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 ओके, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, ऑल द टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। आई मीन थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग सो मच पेशेंस। देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज। नाउ दैट यू नो वी आर रनिंग इन दिस इंटरनेट एज, at times you know these things they really create you know we have to manage it with everything you know with the technology. Anyhow, aaj ke main discussion pe aa jate hain. We all are here, we have to discuss today about something that is of great importance hamare liye, hamari community ke liye, hamare country ke liye, even for the entire world. This virus pandemic, COVID virus, because of which we all are facing this pandemic situation. Okay, this virus has really created lot of menace. ठीक है, virus की वजह से बहुत illness, बहुत सारा problem, socially, economically, health wise, every ways we are facing problem because of this virus. Okay, so what happens? This virus has a unique way in which it enters inside the body and it causes number of different problems. And if we take proper measures, proper preventive measures, okay, जो बचाव की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, अगर हम उन सभी चीजों को ढंग से follow करें, then we are able to protect ourselves, our families, our schoolmates, our community together. Okay? अब germs एक ऐसा term है जो हमने class फोर्थ फिफ्थ से वी हैव रेड दिस टर्म इन अवर साइंस बुक्स. ठीक है, जर्म्स, जब हम जर्म्स की बात करते हैं, जर्म्स रेफर टू सम माइक्रोब्स. ओके, माइक्रोब्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइज में इतने छोटे होते हैं दैट वी कैनॉट सी देम थ्रू अवर ह्यूमन आई. ओके, एंड दीज जर्म्स आर वन ऑफ द रीजन फॉर कॉजिंग द इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ ये जो जर्म्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं? They can survive in air, they can remain in soil, in water, in food, in grains, in plants, in animal body, as well as in the human body. Okay? जब मैं इन germs की या इन microbes की बात आपसे कर रही हूं, then what are the different kind of microbes that are present? Bacteria, fungi, protista, algae, and viruses. Okay? So today we are going to talk about the viruses, and specifically we're going to talk about the
COVID virus. Okay. Now, as I told you that these germs are capable of staying at different surfaces. ठीक है, अगर आप सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मे बी यू नो आपके टॉयज पर, आपकी पेंसिल पे, आपके कॉपी के सरफेस के ऊपर, ओके, मे बी इन दी टॉयलेट्स ऑफ अ हाउस, ओके, मे बी इन सम काइंड ऑफ डेस्क और सरफेस, और मे बी ऑन अ टेबल, ऑन अ चेयर, ऑन टॉप ऑफ अ डस्टबिन, ऑन टॉप ऑफ एनी कीबोर्ड और कंप्यूटर और एनी अदर मशीन, ओके, इनसाइड द बॉडी दे कैन स्टे. Outside the body also they can stay, even in the air they can stay, they can impact plants, they can impact animals, they can impact humans. Okay, now let's come to the main jo you know about whom we're going to talk is a virus, specifically the COVID-19 virus. When I say the word virus, jab main virus shabd ka prayog karti hu, to virus ek aisa chota microscopic jeevanu hai जिसका ये स्पेशल फीचर है, जब ये किसी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, जब ये किसी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, देन ओनली ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है या मल्टीप्लाई कर सकता है. दैट मींस वायरस को जब भी मल्टीप्लाई करना है, अपना नंबर इंक्रीज करना है, उसे किसी ना किसी शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम शरीर में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, सो वी आर रेफरिंग टू सेल ऑफ द होस्ट और सेल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, मे बी अ एनिमल बॉडी, मे बी अ ह्यूमन बॉडी. सो इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी, स्पेसिफिकली इट एंटर्स इनसाइड द सेल्स एंड देन इट रेप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट सेल. ओके, आपने मीजल्स का नाम सुना है, यू नो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज, in early childhood, measles and smallpox, many children have suffered because of measles and smallpox, and there are antibody that get developed against it in our body. Aise hi AIDS ka naam aapne newspaper mein, news mein suna hai. COVID-19, AIDS, measles, smallpox, ye sare hi virus se hone wali diseases hain. Theek hai? Ab, there are two terms, this we have to know, okay? We will try to understand them. ये जो सेंटर में आप ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ वायरस. ओके, दिस इज द वायरस ओवर हियर. वायरस को हम एंटीजन भी बोल देते हैं. क्यों एंटीजन बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जब वायरस प्रवेश करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जिस लड़ने की क्षमता, जिस इम्यूनिटी को डेवलप करती है उस वायरस से लड़ने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा वायरस है जो आप सेंटर में देख रहे हो. सराउंडिंग दिस वायरस आर प्रेजेंट दीज पर्पल कलर Y-shaped proteins. जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन्स होते हैं, वायरस के पास भी अपने प्रोटीन होते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन वायरस से लड़ने में मदद करते हैं. हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, इन्हें हम एंटीबॉडी कह रहे हैं, जिन्हें बी सेल्स बनाते हैं. एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट दिस एंटीजन और दिस वायरस. ओके, Now, let's see COVID-19 है क्या. जब आप COVID-19, you know, when you look at this entire word, if I say you, if this COVID means, it's like an abbreviation for a long name, then what is that long name? COVID का जो CO alphabet है, these two alphabets stands for Corona, C-O-R-O-N-A, Corona. When I say the two alphabets V-I, they stand for viral, okay? And the last alphabet D stands for disease. So what COVID really means? Corona viral disease. Corona virus से होने वाली disease. और हमने इसे 19 क्यों कहा? हमने इसे 19 इसलिए कहा क्योंकि वुहान नाम के शहर में चाइना में पहली बार दिसंबर 2019 में we got to see this COVID-19 for the first time. ठीक है, ये एक तरह का, अपने तरह का एक अलग नोवल कोरोना वायरस है. नोवल का मतलब होता है बिल्कुल ही नए तरह का, जैसा पहले कभी नहीं था, अ टोटली डिफरेंट न्यू काइंड. ओके, सो दिस इज द नोवल कोरोना वायरस दैट केम इन द ईयर 2019. नाउ सम वायरस हैज इमर्ज्ड, सम वायरस हैज कम. नाउ वेयर द वायरस हैज कम फ्रॉम? भाई वायरस आया कहां से?
जब वायरस के बारे में बहुत सारी स्टडीज की गई तो ये देखा गया, जैसे हम लोगों का परिवार होता है, ठीक है, परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसे ही कोरोना वायरस की भी फैमिली होती है, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे वायरसेस रहते हैं। अब ये कोरोना वायरस के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं भाई, ये एनिमल्स पे अटैक करते हैं, दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन बर्ड्स, इन मैमल्स, स्पेसिफिकली इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, सो दिस कोरोना वायरस, सबसे पहले ये कोरोना वायरस ने अपना इन्फेक्शन, अपना प्रभाव बनाया वाइल्ड बैट्स या चमगादड़ों के ऊपर, ठीक है। इन चमगादड़ों से माना गया कि ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ पैंगोलिन नाम के जीव में, और ड्यूरिंग स्टडीज, अलग अलग तरह से जो स्टडीज की गई उसमें ये देखा गया कि पैंगोलिन से ये इन्फेक्शन ह्यूमंस यानी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आया। ओके, नाउ ऐसा नहीं है कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, अगर मैं जनरली कोरोना वायरस की बात करूं, ठीक है, कोरोना वायरस एक वायरस का नाम है, कोरोना वायरस के पहले भी 2003 में चाइना में और 2012 में सऊदी अरेबिया में, ठीक है, पहले भी दो अलग तरह के कोरोना वायरसेस ने पास्ट में, हिस्ट्री में, वी हैड इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है जो 2019 में आया है, जिसे सबसे पहले वुहान नाम के शहर में चाइना में 2019 दिसंबर में डिटेक्ट किया गया था, ये एक अलग तरह का वायरस था। अलग तरह का वायरस बोलने का मतलब है मेरा कि दिस वाज अ कंप्लीटली न्यू एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस विच वाज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर कोरोना वायरसेस, इसीलिए इसे नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। अच्छा, हुआ क्या, वुहान की एक बाजार में जहां पे सी फूड का मतलब है जो आपके ही समुद्री जीवों को खाने के तौर पे प्रयोग किया जाता है, वुहान नाम के शहर में जो सी फूड का बाजार था वहां कुछ लोग खरीदारी के लिए गए, ठीक है। अब खरीदारी करी, तो जब ये खरीदारी करके वापस आए तो इन सभी में कुछ निमोनिया जैसे लक्षण, इन सभी लोगों में जो इस मार्केट में गए थे, कुछ निमोनिया जैसे लक्षण या निमोनिया लाइक इलनेस, ये एक कॉमन फीचर इन सभी लोगों में देखा गया, ठीक है। जब इन सब की जांच की गई, ठीक है, तो पता चला इन सभी के अंदर एक फैक्टर कॉमन था। क्या कॉमन था? इन सब पर एक नए तरह के वायरस ने अपना प्रभाव बनाया था, और ये वायरस कौन सा वायरस था? जी हाँ, ये वायरस COVID-19 वायरस था, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी। अब भाई COVID-19 की चर्चा शुरू हो गई है तो सबसे पहले हम COVID-19 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। जो ये लाल रंग का आप सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज हाउ योर वायरस लुक्स लाइक, ओके। और वायरस के इस गोलाकार, इस जो इसका शरीर है, या इसे हम विरियोन भी कह देते हैं, ठीक है, इस पर जो ये येलो कलर के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, दे आर द प्रोटीन ऑफ द वायरस, ठीक है। वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिसे हम स्पाइक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका जीनोम देखोगे, दैट इज आरएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द इनसाइड द विरियोन ऑफ द वायरस। तो ये हमारे बीटा कोरोना वायरसेस हैं, ठीक है, जिन्होंने इस बार अपना जो इन्फेक्शन है वो अलग अलग लोगों पर, अलग अलग पॉपुलेशन में, अलग देशों में फैलाया है। सो दीज बीटा कोरोना वायरसेस आर देयर। अब इस मैप को अगर आप देखो, इट गिव्स अस अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इट इज गिविंग, सी दीज, यू ऑल नो दिस इज अ, you know, we all read in geography, this is a world map, okay, this is a political map. Now what this map is trying to show you is ki jab hawai yatra ki gayi ek sthan se dusre sthan pe, log ek jagah se dusre jagah pe gaye, suppose hum ek situation le lete hain ki suppose there is a group of people that has traveled, maybe some person in that group was suffering because of COVID-19, okay. So the person, there are these few people jinhone ek jagah se dusre jagah pe travel kiya. So along with them, they have taken this person who was infected in that group. He has also traveled. So he has, during the travel, he has taken virus from one place to another place. Okay. So that's how, because of, you know, traveling of people from one place to another place, I mean, without taking any kind of proper measure, or maybe, you know, when they were having infection, not taking proper measures, they traveled from one place to another. So during that period, they might have taken infection with them,
they had, I mean, traveled through all airlines, you know, all other ways. So, you know, that's how the virus was able to get transmitted from one place to another. These gray lines, yellow lines, light blue lines, dark blue lines, they are all showing how, you know, different places and different places, different countries in different continents have got affected. जो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लू कलर के शेड्स देख रहे हो दिस इज ट्राइंग टू कन्वे द नंबर ऑफ केसेस दैट वाज सीन इन डिफरेंट कंट्रीज कहीं अधिक रहे कहीं कंफर्म्ड केसेस कम रहे कहीं इस वायरस ने प्रभाव अधिक बनाया कहीं इसने कम बनाया कहीं केसेस ज्यादा रहे लेकिन डेथ्स कम रही लेकिन कई जगह पर डेथ्स भी अधिक देखने को मिली तो वायरस का अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से प्रभाव रहा अब जो आजकल हम न्यूज में डे टू डे बेसिस में देयर इज वन टर्म दैट वी आर हियरिंग यू नो अ न्यू वेरिएंट इज कमिंग अ न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न इज कमिंग ओके तो ये जो ओमाइक्रॉन है ठीक है ये सार्स का एक नए तरह का वेरिएंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बाद दिस इज द फिफ्थ वेरिएंट दैट हैज कम वायरस में कुछ म्यूटेशन की वजह से देयर आर सम वेरिएंट्स जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिले हैं ठीक है WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करा है ये जो ओमाइक्रॉन है पहली बार साउथ अफ्रीका में नवंबर 24, 2021 में ठीक है ये पहली बार स्ट्रेन को देखा गया जांच के बाद इसका पता चला ये ओमाइक्रॉन ने अपना प्रभाव धीरे धीरे अभी इंडिया में भी बनाना शुरू करा है एंड फ्यू हंड्रेड केसेस वी हैव फ्रॉम इंडिया फ्यू हंड्रेड वी हैव फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सी वायरस की जो म्यूटेशन का टेंडेंसी है बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेनन देर आर सम वेरिएंट्स दैट वी हैव सीन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड एनी हाउ दीज जो सिम्टम्स ओमाइक्रॉन के साथ एसोसिएट किए गए हैं खासकर की फीवर है या मैं भी आपको बताऊंगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है मेजरली उस फीचर को डोमिनेंटली दिया गया देखा गया है जिन पेशेंट्स के अंदर जांच है क्योंकि ये एक बिल्कुल नए तरह का वेरिएंट है जो अभी हमें मिला है तो इसके बारे में और जांच करी जा रही है खैर जो मेजर्स हम अभी ऑलरेडी कोविड से बचाव के लिए ले रहे थे द सेम मेजर्स वी हैव टू इवन फॉलो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दैट वी हैव टू टेक अगेंस्ट द ओमाइक्रॉन ठीक है तो हमारे जो बचाव के तरीके हैं उसके बारे में वी विल टॉक एंड दैट विल रिमेन सेम फॉर ओमाइक्रॉन एंड अदर जो हमारे वेरिएंट्स है कोरोना वायरस के लिए ओके लेट्स कम टू सिम्टम्स ठीक है अगर हम जनरल कोरोना वायरस की बात करते हैं ठीक है तो जो हमारा कोविड 19 है बुखार हो गया कफ की समस्या हो गई किसी तरह की सांस लेने में तकलीफ होना या कोई भी रेस्पिरेटरी किसी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रेस है ठीक है खाना खाते समय खाने का स्वाद ना आना सूंघने की शक्ति में थोड़ा कमी हो जाना या गला खराब रहना या शरीर में किसी तरह से मजल एक या बॉडी एक या हेड एक्स रहना या बॉडी में पेन रहना निमोनिया के लक्षण किडनी से किडनी फेलियर या रैपिड हार्ट बीट्स तो इस तरह के ये जो सारे मिले जुले लक्षण हैं अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह से लक्षण देखने के लिए देखे गए हैं हालांकि फीवर है या कॉफिंग है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये कुछ कॉमन तरह के या आपके खाने में टेस्ट की आपका टेस्ट का जो एबिलिटी है वो वीक पड़ जाना या आपकी सूंघने की शक्ति पे प्रभाव डालना कुछ इस ये जो फीचर्स हैं ये जो सिम्टम्स हैं इनको अधिक देखा गया पेशेंट्स में ठीक है अब कौन कौन लोग हैं जो रिस्क पर हैं इस वायरस के इन्फेक्शन को कैच करने के लिए देखो 2 साल से लेके 80 साल तक के हर एज ग्रुप के अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर दिस वायरस वॉज एबल टू मेक इट्स इम्पैक्ट ठीक है अब अगर ये देखें सपोज हमारे डॉक्टर्स हैं हमारा नर्सिंग स्टाफ है हाउसकीपिंग स्टाफ है या पैरामेडिक्स हैं ये बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में वर्क कर रहे हैं यू नो 24 आवर्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल हु हैव सफर्ड और हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड So really hats off to them. So they are staying in ye close contact mein hai patient ke. So there is a risk that they may catch COVID-19 infection. Aise hi hamare ghar mein old log hain, hamare jo ghar mein dada, dadi, nani, nana hain, ya jo bhi old log hain,
थोड़ा सा इम्यूनिटी, क्योंकि उनके शरीर में उनका इम्यून रिस्पॉन्स, उनकी जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ा सा यू नो एज दे गेट ओल्ड वो थोड़ा वीक हो जाती है. सो वो है, या फिर कुछ लोग हैं जिन्हें लंग से संबंधित है या हृदय से संबंधित है या ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी रोग या तकलीफ है या मोटापा है या लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है या कैंसर है या फिर किसी भी तरह से कोई भी ऐसी सिचुएशन से वो जूझ रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिरोधक, जो लड़ने की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, वो क्षमता उनकी थोड़ी वीक पड़ गई है. सो इन सारी कंडीशन के अंदर अगर ये सारी कंडीशन या इनमें से कुछ कंडीशन किसी व्यक्ति में देखने के लिए मिलती है तो दैट पर्सन इज एट हाई रिस्क फॉर गेटिंग इन्फेक्शन ऑफ COVID-19. नाउ COVID-19 और इन्फ्लुएंजा या हमारा जो कॉमन कोल्ड है, देर आर फ्यू फीचर्स जैसे ड्राई कॉफ होना, फीवर है, हेडेक, बॉडी एक है, स्नीजिंग का इशू है. सो यू नो दीज आर फ्यू सिम्टम्स दैट आर कॉमनली सीन अमंग ऑल दीज. हालांकि मैंने COVID-19 के जो लक्षण है वो स्पेसिफिकली आई हैव डिस्कस्ड विद यू. ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट वायरस, वायरस दिखता कैसा है, वायरस कहाँ से आया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है जिसे हमें समझना है वो ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है, इस वायरस का फैलाव कैसे होता है. ओके, व्हेनेवर वी आर और एनीबॉडी इज गोइंग आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, हम बाहर पब्लिक स्पेस में कोई भी व्यक्ति निकल रहा है, देखो होता क्या है. सपोज किसी व्यक्ति को COVID-19 का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया था वायरस का ये एक स्पेशल फीचर है कि जब तक वो शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो अपना इन्फेक्शन इस्टैब्लिश नहीं कर सकता. ठीक है, सपोज किसी व्यक्ति के अंदर COVID-19 का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, अब ना उसने मास्क पहना है ना उसने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है, तो ऐसे में क्या होता है, वो बात करता है, खांसता है, छींकता है, तो जो भी उसके थूक के कण बाहर हवा में आ रहे हैं या बाहर हवा में गिर रहे हैं, ठीक है, उन सभी कणों के अंदर, या सपोज उसकी जो नाक है, नाक से कोई भी सिक्रीशन निकल रहा है या वो बात या खांस जब रहा है, तो जो भी थूक के कण बाहर आ रहे हैं, इन सभी कणों के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है. ठीक है, वायरस इन कणों के, थूक के कणों या कोई भी नाक से निकलने वाला सिक्रीशन है, ठीक है, जैसे ये व्यक्ति यहाँ खांस रहा है, ये छोटे छोटे जो इसके थूक के कण है इसके अंदर वायरस प्रेजेंट है, ये व्यक्ति यहाँ खांस रहा है, जो ये कण बाहर निकल रहे हैं इसके अंदर वायरस है. ठीक है, अब जब ये खांस रहा है, छींक रहा है, ये कण बाहर आ गए हैं, तो कुछ समय तक ये एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं. इस दौरान यदि कोई हेल्दी व्यक्ति, ये व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति है, इन कणों के संपर्क में आता है और इसके नाक से या इसके मुंह के जरिए ये कण इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, तो इस हेल्दी व्यक्ति को COVID-19 होने के पूरे पूरे आसार है. ठीक है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन ये एक माध्यम बनता है COVID-19 इन्फेक्शन होने का. दैट्स हाउ दिस हेल्दी पर्सन कैन अक्वायर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द वायरस. ओके, दैट्स हाउ इट गेट्स ट्रांसमिटेड. ऐसे ही किसी व्यक्ति ने खांसा या छींका जो कि COVID-19 पॉजिटिव है, तो अगर उसके थूक के कण या जो ये कण है ये किसी सरफेस पे गिर गए, और यदि किसी व्यक्ति ने उस सरफेस को टच करा या इस व्यक्ति के संपर्क में कहीं आया, ठीक है उससे माना हाथ मिलाया, कहीं पे भी किसी संपर्क में किसी सरफेस के आया जहां ये कण गिरे हैं, तो वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, जिसे हम फोमाइट ट्रांसफर भी कहते हैं. ठीक है, सरफेस की ऊपर अगर इस तरह के कण गिरते हैं, सपोज कोई मशीन है या कोई कीबोर्ड है, मैंने आपको बताया था ये वायरस अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग सरफेसेस पर कुछ समय तक रह सकता है. ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड व्यक्ति, इसने खांसा या छींका, ये थूक के कण या नेजल सिक्रीशन बाहर हवा में आ गए, इनके अंदर वायरस प्रेजेंट है, ये हेल्दी व्यक्ति है, इनके संपर्क में आता है, इसके नाक या मुंह से ये वायरस शरीर में प्रवेश ले सकते हैं और COVID-19 इन्फेक्शन होने का चांस बन सकता है. ठीक है, अब बारी आ जाती है ट्रांसमिशन होने के बाद क्या व्यक्ति में सिम्टम्स दिख सकते हैं. भाई हमारे पास तीन तरह के ट्रांसमिशन है, जहां अलग अलग तरह से अलग पेशेंट में सिम्टम्स देखे भी गए और नहीं भी देखे गए. अगर बात करें सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जैसे ही उससे इन्फेक्शन हुआ, विद इन फर्स्ट 2 to 3 days और 1 to 3 days
सिम्टम्स दिखने लगते हैं. ठीक है, सिम्टम्स मतलब बुखार होना या सांस लेने में तकलीफ होना या कॉफिंग का समस्या होना या शरीर में मजल एक है या पेन है. ठीक है, इस तरह से जो भी मैंने आपको कोविड के लक्षण बताए थे वो लक्षण उसमें दिखते हैं. कई लोगों में कोविड 19 का इन्फेक्शन हो गया है लेकिन करीबन 2 से 3 दिन के बाद सिम्टम दिखना शुरू होते हैं. ठीक है, जैसे प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन में. और फाइनली एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है एसिम्प्टोमेटिक मींस कोई सिम्टम का ना दिखना. यानी जो आपका पेशेंट है वो कोविड 19 इन्फेक्शन, उसकी जांच के बाद उसमें कोविड 19 पाया गया है लेकिन कोई भी सिम्टम, वो कोविड से जुड़े हुए जो भी सिम्टम है उन्हें वो नहीं दिखा रहा है. अब बारी आ जाती है इस वायरस के बारे में और डिटेल में पढ़ने की. देखो, कुछ स्टूल सैंपल्स लिए गए जिनको टेस्ट किया गया कि कहीं इनमें ये वायरस प्रेजेंट तो नहीं है, तो देखा गया कि किसी तरह का कोई फीकल ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है. ठीक है, अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है. जब पानी के और कुछ सीवेज वाटर के सैंपल्स लिए गए तो कुछ हफ्ते तक के ड्यूरेशन के लिए ये वायरस उसमें जिंदा या रह सकता है, या मतलब उसमें सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, अब कोई भी नवजात शिशु है उसकी मदर से जब वो पैदा हुआ है, ठीक है, जिसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, नवजात शिशु को उसकी मदर से किसी तरह का कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन इस वायरस के केस में नहीं देखा गया है. अब एक जरूरी बात, हमारे घर में एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं या कैटल हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमने इस वायरस के बारे में पढ़ा था कि ये वायरस आया कहाँ से था, ये वायरस हमने ये चीज देखी कि ये वायरस जो है ये जानवरों पे, एनिमल्स पे भी अपना प्रभाव बना सकता है. ठीक है, तो हमारे घर में जो भी पेट्स हैं जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं या कैटल है, तो यू नो वी कैन टेक केयर ऑफ देम एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट देम ऑल्सो. ओके, नाउ हमने ट्रांसमिशन की बात कर ली, हमने एसिम्प्टोमेटिक सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन की बात भी कर ली. अब एक चीज जो हमें थोड़ा और डिटेल में जानना है वो है कि ये ट्रांसमिशन कैसे कैसे फैलता है, माध्यम क्या बनते हैं जिसकी मदद से ये ट्रांसमिशन वायरस का हो पाता है. ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की. ठीक है, ड्रॉपलेट का मतलब है जब कोई भी व्यक्ति जो कोविड 19 इन्फेक्शन से ग्रसित है तो जब भी वो खांसता या छींकता है या किसी तरह का कोई नेजल सिक्रीशन है जो उसकी नाक से निकल रहा है या बात करते हुए, स्नीज करते हुए उसके मुंह से कोई भी थूक के कण निकल रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ थोड़े छोटे हैं, कुछ थोड़े से कम छोटे हैं. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं इन्हें हमने ड्रॉपलेट नाम दे दिया, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोलते हैं या ड्रॉपलेट कह देते हैं. ठीक है, इन्हीं ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस जो है वो छुपकर बैठा रहता है. एंड दैट वायरस, ये जो कण है ये हवा में तैरते हैं कुछ समय के लिए, एयर पे या किसी सरफेस पे रह सकते हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट है दे विल कॉज द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस. दूसरा बात हम करेंगे कि किस तरह से एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब है कि हवा माध्यम बनता है इस ट्रांसमिशन, इस वायरस के ट्रांसमिशन के लिए. तीसरा हम बात करेंगे फोमाइट्स. फोमाइट का मतलब होता है अगर किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये वायरस या इसके संबंधित कोई भी कण वायरस के जो हैं वो गिर रहे हैं, एंड इन द मीन टाइम समबडी कम्स एंड टचेस इट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही मे कैच द वायरस इन्फेक्शन. अब मैं आपको यही तीन चीजें इस डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ. तो पहले हम बात करते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की. ठीक है, देखो ये एक ग्रुप है, इसमें जो आप ये ग्रे कलर्ड के लोग देख रहे हो दे आर द हेल्दी पीपल, एंड दीज रेड कलर्ड पीपल इट जस्ट शोज यू दैट दीज आर 3 पीपल बिकॉज ऑफ सम आई मीन इश्यू दे हैव कैच्ड द कोविड 19 इन्फेक्शन. ओके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, सो वन ऑफ द हेल्दी पर्सन कैचेज इन्फेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, फ्रॉम दिस रेड कलर्ड पर्सन हु हैज कोरोना वायरस इन्फेक्शन. ठीक है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति में संक्रमण फैलाया. ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये कोविड 19 पॉजिटिव है,
ये व्यक्ति जब बात कर रहा है, खांस रहा, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, खांस रहा है या छींक रहा है, तो जो भी थूक के कण है, दीज ऑल रेड कलर ड्रॉप्स दैट यू आर सीइंग, ये जो भी रेड कलर के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ही इज रिलीजिंग, ये छोटे छोटे जो कण हैं, इन्हें ये हवा में रिलीज कर रहा है, बात करते हुए या छींकते हुए या खांसते हुए। इन्हीं ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस बैठा है, वायरस इज प्रेजेंट। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस, COVID-19। ओके, तो पहला माध्यम कि ये जो ड्रॉपलेट्स इसने खांसते या छींकते हुए बाहर एयर में निकले हैं, इन ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस जो है वो मौजूद है, ठीक है। इस दौरान जब ये ड्रॉपलेट हवा में है, सपोज कोई हेल्दी व्यक्ति है जो इनके संपर्क में आया, ठीक है, सांस लेते हुए ये ड्रॉपलेट्स उसके शरीर में प्रवेश कर गए या उसके मुंह के रास्ते भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट दिस पर्सन मे गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा, वी सेड ये हमने एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यहाँ पर देखा कि कैसे हवा में ये ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दे फाइनली दे मे बिकम अ सोर्स फॉर ट्रांसमिशन टू दिस हेल्दी पर्सन, ट्रांसमिशन कॉजिंग ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टू दिस हेल्दी पर्सन। दूसरा मैंने आपको बताया फोमाइट्स, वेन ये जो थूक के कण जो जिनमें वायरस प्रेजेंट है, सपोज ये किसी सरफेस या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है, एंड इन द मीन टाइम सम पर्सन कम्स एंड ही टचेस दीज सरफेस, ओके, माना फोन का रिसीवर जिसपे सब कण गिरे हैं उसने पिक किया या किसी सरफेस पे टच किया, एंड बाय एनी चांस दीज ड्रॉपलेट्स दे एंटर इनसाइड हिज और हर नोज और माउथ, देन दिस पर्सन हु इज अ हेल्दी पर्सन मे कैच इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ वायरस, मे कैच। ओके, इस पिक्चर को देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो ये व्यक्ति है जो वायरस से प्रभावित है, ये जो हरे रंग के डॉट्स आप यहाँ देख रहे हो, दीज आर ऑल द वायरसेस, ओके, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्सन्स बॉडी। ये खांसता या छींकता है, ये एक हेल्दी व्यक्ति है, इसने जब खांसा या छींका तो जो भी ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकले हैं, ये इस व्यक्ति बाय चांस इस व्यक्ति के नाक से या इसके मुंह से ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, दे मे एंटर इनसाइड हिज बॉडी एंड मे रीच टू इवन टू हिज लंग्स, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये अलग अलग साइज के होते हैं, दीज ड्रॉपलेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज इनसाइड विच द वायरस इज प्रेजेंट, ठीक है। नाउ सो दिस इज हाउ, अब ये जो व्यक्ति है हमने अभी डायग्राम में ऊपर देखा था, दिस मैन कैचेस द COVID-19 इन्फेक्शन। ये जो दो व्यक्ति हैं इसके संपर्क में आते हैं, दे आर नॉट वियरिंग मास्क, दे आर नॉट मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, so these two people may catch infection from this person, okay, let's see now here what happens। इस व्यक्ति से ये व्यक्ति है, इन दो को वायरस का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ, इन दो व्यक्तियों से आगे दो और व्यक्तियों को ट्रांसमिट हुआ, ऐसे ही इस महिला से इस महिला और इस पुरुष के अंदर गया, और ऐसे करते करते ये जो इंटायर पॉपुलेशन, these some people they all have got infection because of this virus, okay, जो इनिशियली इस व्यक्ति से स्टार्ट हुआ था। तो एक जो व्यक्ति है वो एक या एक से अधिक इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करने का चांस उस व्यक्ति से बन सकता है, ठीक है। इसे COVID-19 हुआ, इससे इन दोनों में संक्रमण फैला, इस व्यक्ति से इन दो में संक्रमण फैला, दे जब ये बाहर पब्लिक स्पेस में मूव आउट करे तो इससे दो और व्यक्ति प्रभावित हुए, तो इस तरह से एक इंडिविजुअल से नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल में इस वायरस के प्रभाव बनने का जो चांस है वो थोड़ा अधिक हो जाता है। तो इसीलिए जिन भी मेजर्स की, प्रिवेंशन की हम बात करेंगे, जब भी आप बाहर निकल रहे हैं घर से आपके फैमिली से कोई भी बाहर जा रहा है, व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, यू मस्ट मेक श्योर दैट यू आर वियरिंग योर मास्क, ओके, यू आर क्लीनिंग योर हैंड्स वेल विद सैनिटाइजर और मे बी विद सोप वाटर, विल सी, ओके, सो विल टेक ऑल द मेजर्स। अच्छा, लेट्स से अ कंडीशन इन स्कूल, सपोज स्कूल के अंदर मे बी सम स्टाफ मेंबर और सम चाइल्ड, ही और शी माइट शो सम काइंड ऑफ कोविड एसोसिएटेड सिम्टम, ठीक है। अब यदि स्कूल में आप सही से जो आपको मेजर्स बताए जाएंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम इस टर्म को यूज करते हैं, यानी इस कोविड पैंडेमिक के समय में जो हमें एक सही बिहेवियर दिखाना चाहिए,
ठीक है. सो हम उसे कोविड एसोसिएटेड बिहेवियर भी कह देते हैं. ठीक है. नाउ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर लोग स्कूल के अंदर स्टाफ मेंबर हैं या बच्चे हैं, ठीक है, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं दे विल बी एट द लोएस्ट रिस्क ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन. ओके. एंड इफ पीपल आर नॉट मेंटेनिंग द मेजर, ठीक है, नहीं प्रिवेंशन का ध्यान रख रहे हैं, देन दे मे बी एट अ हाई रिस्क ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन. ओके. अब बारी आ जाती है टेस्टिंग की. जो ये स्वॉब्स कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इन स्वॉब्स की टेस्टिंग की जाती है दो टेस्ट से. पहला टेस्ट है आरटीपीसीआर और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट. ये दो टेस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है. बारी आ जाती है ट्रीटमेंट की. देखो, अगर हम कहें कि हमारे पास कोई कोविड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, तो इस तरह का कोई कोविड के लिए कोई स्पेसिफिक दवा बना है, तो इस तरह का कोई कोविड के लिए कोई स्पेसिफिक दवा हमारे पास नहीं है. हाँ, व्यक्ति को बुखार है या सांस से संबंधित कोई तकलीफ है, बुखार है तो बुखार का दवा है, या जो भी सिम्टम्स है, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास सपोर्टिव थेरेपी है देने के लिए. एंड जो एक चीज इस डायग्राम में आप ध्यान से अगर देखो, ओके, हम लोग मैथ्स में यू नो वी रीड दोस ग्राफ्स, ये यहाँ पर हमें दो ग्राफ देखने के लिए मिल रहे हैं. जब इनिशियली कोविड 19 इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था, एट दैट वेरी टाइम लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, दे वर नॉट क्लीनिंग देयर हैंड्स वेल, जब पब्लिक में निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े. सो विद इंक्रीज इन टाइम देयर वर नंबर ऑफ केसेस अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस वी हैव सीन अमंग द पीपल. ओके. नाउ धीरे धीरे हमें ये बात समझ आई कि कंट्रोल मेजर्स लेना क्यों जरूरी है, ठीक है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ आने लगी. दे स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, दे स्टार्टेड शोइंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड वी वर एबल टू रेड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शन. ओके. अब बारी आ जाती है प्रिवेंटिव मेजर्स की. ओके. देखो, सर्वेलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वेलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वेलेंस का मतलब होता है सर्वेक्षण, जिसे हम कहते हैं कि हम ट्रैक करेंगे उन लोगों को जिन्हें कोविड 19 का शिकायत है, कोविड 19 के इन्फेक्शन से वो जूझ रहे हैं, उन्हें टेस्ट करेंगे एंड वी विल ट्रीट देम सो दैट दे आर फाइन एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम देमसेल्व टू इधर टू देयर फैमिली और पीपल हु आर इन कॉन्टैक्ट विद देम. ओके. कहते हैं ना, यू नो, जब भी यू नो वी कम टुगेदर एंड वी वर्क टुगेदर, ठीक है, हम हमेशा यू नो वी हैव सीन दिस थिंग, वी हैव लर्न इट इन अ फैमिली, वी हैव लर्न इट इन अ स्कूल्स, कि साथ काम करना है. तो मैं भी अपना ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, वी ऑल विल फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. मैं बाहर भी जब निकलूंगा, यू नो आई विल वियर द मास्क, आई विल मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. सो यू नो यू विल डू, सिमिलरली योर फैमिली विल डू, the entire you know your mohalla or your community is going to do. So as one person, me and rest all of us, agar hum as a sath community effort dikhayenge, then we can fight against this pandemic situation. Suppose we are taking best of care and everything, still you know kisi family mein kisi ek vyakti ko takleef ho jati hai because of coronavirus infection, no problem, we will take care of the person. The first thing that we have to do is हम उस व्यक्ति को घर में ही थोड़ा isolate कर देंगे, ठीक है, so that the infection doesn't get transferred to other people in the family. It is not transmitted to other people. Now, after isolation of the person in the family at one place or maybe in one room, we isolate the person. Then we provide all care and all everything. We take care of the person. We take care of his or her food. Everything that is required to the person. So we'll take care of him. And after 14 din ke baad, okay, 14 din ke isolation ke baad, then the person is absolutely fine. You know, uska infection subside kar jata hai, and then everything is going to be fine as usual.
देन जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जनरेट हो रहा है या कोई भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, यू नो लॉट ऑफ केयर इज टेकन ऑफ एंड उनको जो भी वेस्ट मैनेजमेंट बायोमेडिकल वेस्ट है जो भी जनरेट हो रहा है दैट इज डिस्कार्डेड प्रॉपरली. कुछ फैमिलीज में डेथ्स भी हुई हैं, सो इवन दीज डेड बॉडीज आर हैंडल्ड इन अ प्रॉपर वे. अब आप ओमाइक्रॉन के बारे में सुन रहे हो या आप कुछ नए वेरिएंट्स के जो पास्ट में रहे हैं इस वायरस के कोविड 19 के उनके बारे में सुन रहे हो, एक चैनल एक बात करता है या एक न्यूज में एक बात रहती है, समबडी टॉक्स इन फ्रंट, तो ये जो सारी चीजें हम सुन रहे हैं ठीक है, इन आर हेड्स ये एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट करता है. सी द सिचुएशन हैज कम, वी ऑल आर फेसिंग पैंडेमिक एंड वी आर ऑल टूगेदर फेसिंग इट. ओके नाउ बच्चों के अंदर इस वायरस ने हाँ इन्फेक्शन कॉज करा है, अपना प्रभाव बनाया है, बट यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट द रेस्पॉन्स दैट इज गिवन बाय द चिल्ड्रन इज दैट बिकॉज दे हैव अ गुड इम्यूनिटी, उनका जो लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता है बच्चों का दैट इज वेरी गुड. ओके सो दे आर एबल टू फाइट अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, द इम्यूनिटी जो उनके बॉडी में है इट इज एबल टू रेस्पॉन्ड वेल अगेंस्ट द वायरस एंड बहुत जल्दी ही वो इस तरह के इन्फेक्शन से निकल के एकदम स्वस्थ हो रहे हैं. ओके सो यू डोंट हैव टू वरी, इट्स जस्ट दैट यू विल टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ओके अ फ्यू स्लाइड्स मोर. ओके तो सबसे पहले किसी भी तरह का कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में आप नहीं बनाएंगे व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ द हाउस और व्हेनेवर यू गो आउट इन पब्लिक स्पेस. आपको याद रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है बिटवीन द टू पीपल 2 मीटर दूरी या 2 गज दूरी जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच में रहेगी व्हेनेवर आप घर से बाहर या किसी पब्लिक स्पेस में जाते हैं. ठीक है भले ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं या आप स्कूल आ रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है. हाथों की अच्छे से साबुन से और या फिर सैनिटाइजर से सफाई. ठीक है अपने घर के एनिमल्स को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करके रखना बिकॉज दिस वायरस में इम्पैक्ट देम एज वेल. रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करना यानी खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को कवर करना. ठीक है एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन पीपल, फिर खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को कवर करना विद हेल्प ऑफ अ टिश्यू और यू नो सम पेपर टिश्यू और समथिंग. ओके एंड यू नो हॉस्पिटल्स में देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस आर टेकन, आई मीन लॉट ऑफ प्रिवेंशन आर टेकन टू कंट्रोल द हॉस्पिटल इन्फेक्शन. ओके कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है. इफ एट ऑल एनी सिम्टम अपीयर्स सो यू नो यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट दैट सिम्टम. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कोविड सिम्टम, क्योंकि ये वायरस जो है ये जानवरों के ऊपर भी अपना प्रभाव बना सकता है, तो कुछ समय तक के लिए कच्चे मांस का सेवन थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है. हाथों को अच्छे से पानी और साबुन से सफाई, मुंह को अच्छे से मास्क से कवर रखना. Whenever some person is traveling, अपनी travel history अपने doctor के साथ share करना. If at all you develop any symptom, किसी भी तरह का close contact किसी के भी साथ नहीं बनाना है, social distancing maintain करना है. साबुन लिया हाथ में और पानी. ठीक है जब आप हाथों को धोते हो क्या सही तरीका है साबुन से हाथ धोने का? सबसे पहले हाथों को सीधा रगड़ेंगे. ठीक है सो सीधा हमने कहा बी से S, ठीक है हमने एब्रिवेट कर दिया उसे एंड वी से S, ठीक है फिर हाथों को उल्टा रगड़ा U उल्टा U, ओके फिर हमने मुट्ठी रगड़ी आपस में अपनी हाथों की M, अंगूठा यानी A, दोनों अंगूठों को अच्छे से रगड़ के धोया. उसके बाद बारी आती है N यानी नाखूनों की, अपने नाखूनों को रगड़ के अच्छे से धोया और फाइनली अपनी कलाइयों को, तो हमने उसको एब्रिवेट कर दिया एस के. तो हमने फॉलो किया एस यू एम ए एन के, एस हाथों को सीधा, यू हाथों को उल्टा रगड़ा, फिर एम दोनों मुट्ठियों को रगड़ा, ए दोनों अंगूठों को रगड़ा, एन दोनों नाखूनों को रगड़ा, के दोनों कलाइयों को रगड़ा. तो अगर हम ऐसे स्टेप वाइज अपने हाथों को धोते हैं सो वी गेट प्रॉपरली वी गेट आवर हैंड्स क्लीन प्रॉपरली afterwards dry your hands and then you can eat your food. आप खाना खा सकते हैं या अपना मास्क पहन सकते हैं. सपोज हमारे पास साबुन और पानी की, we don't have water and soap near to us, no problem, we have another option available जो कि है sanitizer. ये alcohol based liquid होता है, इसकी कुछ बूंदे अपने हाथों में डालें
ठीक है, अच्छे से दोनों हाथों को आगे और पीछे अच्छे से रगड़े, लेट योर हैंड्स ड्राई, हाथों को ड्राई होने दे, एंड देन योर हैंड्स आर क्लीन, देन यू कैन वियर योर मास्क। नाउ सही तरीका क्या है मास्क पहनने का, आप तीन चीजों का ना स्पेशली ध्यान रखेंगे जब आप मास्क पहन रहे हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप मास्क पहनते हो आपकी नोज, आपका माउथ और आपका चिन, यानी आपकी नाक, आपका मुंह और आपकी थोड़ी, ठीक है, जो चिन है, ये तीनों के तीनों मास्क में कवर रहने चाहिए। क्या क्या रहने चाहिए? नोज, माउथ और चिन। ओके, इट शुड बी अ वेल फिटेड मास्क, ठीक है, वेल फिटेड मास्क होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, जब आपका मास्क साइड में आता है, ओके, फेस पे अलोंग द साइडवेज, यहां पर कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हेन इट कम्स अलोंग, ये जो साइड पर जब आपका फेस पे मास्क आता है टुवर्ड्स द एंड, तो यहां पर किसी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीजों का देखो, ये जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है, दीज आर ऑल पीपल हु हैव गॉन आउटसाइड देयर हाउस, सपोज फॉर सम वर्क और सम फॉर समथिंग दे हैव गॉन, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा, यस, दे ऑल आर वियरिंग मास्क, दे हैव क्लीन देयर हैंड्स विद ईदर सोप और सैनिटाइजर, ओके। तो इस तरह से दैट इज हाउ यू हैव टू शो अ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अननेसेसरीली अपनी आंखों को, अपने नाक को और अपने माउथ को, यू डोंट हैव टू टच एनीवेयर, अननेसेसरीली अपने फेस पर, अपने नाक पर या अपने मुंह पर हाथ ना लगाएं। टाइम आने पर कोवैक्सिन, कोविशील्ड हमारे पास वैक्सीन्स आर अवेलेबल, दे आर द इंडिजीनस हमारे देश में बनी वैक्सीन्स हैं, जो भी टीचर्स या स्टाफ मेंबर्स हैं प्रेजेंटली दे कैन टेक इट, एंड जो भी गाइडलाइंस हैं, नाउ दैट स्कूल आपके धीरे धीरे खुलेंगे, ओके, तो जो भी आपको डिफरेंट लेवल पर यू नो यू हैव टू टेक सम मेजर्स। देखो पहले तो आप क्लासरूम को साफ रखेंगे, हवादार रखेंगे, वेल वेंटिलेटेड रखेंगे, बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, जब आप क्लासरूम में हैं, बाहर बैठे हैं या क्लासरूम से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप खास ध्यान रखेंगे, 2 मीटर या 2 गज दूरी, ठीक है। ऐसे क्लास में जब टीचर और स्टूडेंट है तो उनके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग, किसी तरह की कोई असेंबली या किसी तरह का कोई यहाँ पे आप कलेक्टिवली हो, इस तरह का कोई भी काम अवॉइड करेंगे। बाहर जब भी आप मूव आउट कर रहे हैं, क्लासरूम से स्कूल में एंटर कर रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। कई स्कूलों में इस तरह का प्रोविजन है कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इन द स्कूल देयर बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस एंड कैन बी डन एट स्कूल लेवल, ठीक है। सो सेफ्टी मेजर्स को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हैंड हाइजीन का ध्यान रखना, अच्छे से साबुन और पानी से सुमन के मैंने आपको बताया था, विद द हेल्प ऑफ यू नो स्टेप वाइज दो 6 स्टेप्स, दैट्स हाउ यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, ठीक है, हाथों की सफाई या सैनिटाइजर का प्रयोग। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर दूरी है जरूरी, जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं या स्कूल आ रहे हैं, दिस डिस्टेंसिंग हैज टू बी मेंटेन्ड, ओके। रेस्पिरेटरी हाइजीन, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को कवर रखें, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप का स्पेशली ध्यान रखना, यानी हमारे घर में कोई ओल्ड लोग हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं हमारे नियर बाय या बाहर मोहल्ले में हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया किडनी संबंधित या हृदय संबंधित रोग है, या जिनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, तो दोज पीपल हु आर इन हाई रिस्क ग्रुप यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ओके। स्ट्रिक्टली आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है स्कूल में, ठीक है। इस बिहेवियर को दिखाने के लिए यू नो दीज थ्री स्टेप्स यू हैव टू फॉलो देम वेरी पर्टिकुलरली, यू हैव टू फॉलो देम इन दिस वे, ओके। फर्स्ट इज SMS फॉर्म में वी विल फॉलो देम, कौन से SMS? नहीं, ये मोबाइल वाले SMS नहीं है, ये वो SMS है जो आपको रेगुलरली अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पार्ट बनाने हैं। पहला S, सोप या सैनिटाइजर का प्रयोग अपने हाथों की सफाई के लिए। दूसरा, मास्क पहनेंगे जब भी आप पब्लिक स्पेस में या स्कूल के लिए बाहर निकलेंगे। तीसरा S, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 मीटर की सेफ डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के बीच में बनाए रखेंगे। इसके अलावा टाइम आने पे जो भी वैक्सीनेशन है या जो भी सिम्टम को पहचानने का आप जो मैंने आपको बताया, यू नो यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट द सिम्टम्स, ठीक है, जो भी कोविड से संबंधित है,
मास्क गले के तरफ जा रहा है, नाक से नीचे है, नीचे जो चिन्ह है वो कवर्ड नहीं है, इस व्यक्ति ने मास्क पहना है जो ढीला है, इस व्यक्ति का मास्क तो मुंह पर ही नहीं है, ये तो गले तक आ गया है। ये चारों तरीके जो आप देख रहे हो, दीज आर रियली द रॉन्ग वे टू वियर अ मास्क। ये गलत तरीका है मास्क पहनने का। आपने देखा होगा कई लोगों को पब्लिक में, सी दिस इज नॉट द वियर, दिस इज नॉट द वे टू वियर द मास्क। जब भी आप मास्क पहने, दिस इज द राइट वे टू वियर द मास्क। नोज, माउथ एंड चिन, इन तीनों को प्रॉपरली मास्क से कवर करें। मास्क में अलोंग द साइड वेज, ठीक है, मास्क में किसी तरह का साइड वेज कोई गैप ना रहे, एंड इट शुड बी अ वेल फिटेड मास्क। ठीक है, इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति है इसे COVID-19 की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये एक हेल्दी व्यक्ति है, दोनों ने ही मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी, सो द रिस्क ऑफ द स्प्रेड ऑफ वायरस इज वेरी हाई बिटवीन दीज टू पीपल। यानी इससे इस व्यक्ति में वायरस का संक्रमण होने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन्हीं दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति COVID-19 से संक्रमित है, ये जो है वो व्यक्ति है ये हेल्दी व्यक्ति है, दोनों ने ही सुरक्षित, जो अपने को सुरक्षित रखा है, मास्क पहना है, और जो 2 मीटर की उचित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो मेंटेन करके रखी है। सो व्हाट इट शोस दैट आफ्टर टेकिंग ऑल दीज मेजर्स, द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ व्हाट, ऑफ वायरस, इज वेरी लो बिटवीन दीज टू पीपल। ठीक है, अब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुल जाएंगे, तो स्कूलों की अच्छे से, स्कूल में सफाई, अच्छे से डिसइंफेक्टेंट, जो कि क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, उसका प्रयोग करके अच्छे से फ्लोरों की, वॉल्स की सफाई, ऐसे ही साबुन के पानी से जो भी सीट्स या डेस्क हैं उनकी सफाई, जिस जगह पर सफाई हुई है बच्चों को ऐसी जगह से दूर रखा जाए, अलग रखा जाए, एंड एट द सेम टाइम क्लीनिंग करा जाए इन सारे एरियाज का स्कूल में। ठीक है, अच्छे से उन्हें एयर ड्राई करके, वाइप करके, then you know these places they can be cleaned and then you can use it. ऐसे ही हमारी जो ministry है, great efforts they have provided this helpline number, हमारी जो health ministry है, इस पर बात करके आप किसी भी कोरोना संबंधित कोई भी doubts हो वो मतलब उसके बारे में पूछ सकते हैं। digital apps, आरोग्य सेतु हम सबके मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। digital apps आपके फोनों में रहने वाली applications है, जिस पर आप किसी भी कोविड इन्फेक्शन के संबंध में कुछ भी जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपको डिजिटल एप्स पे मिल जाती है, आरोग्य सेतु, कोविड फीडबैक, दीज ऑल अदर डिफरेंट एप्स। बेस्ट वे टू नो समथिंग, भाई किताब पढ़ेंगे एंड वी विल गेन नॉलेज। ठीक है, तो जो मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन है, ग्रेट एफर्ट बाय उपासना काकरू जी, शी हैज रिटन दिस बुक। इस किताब में कोरोना के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसी ही दूसरी किताब है डॉक्टर किशोर की, डॉक्टर जिलोहा की, दैट यू कैन ऑल्सो रीड। सो फाइनली द टेक होम मैसेज दैट यू ऑल आर टेकिंग विद यू, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, अच्छे से सुमन के फॉलो करके अपने हाथों की सफाई या सैनिटाइजर का प्रयोग करके सफाई, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, टाइम आने पर जो भी आपका वैक्सीनेशन है, एंड वर्किंग टूगेदर, जो भी अभी हमने ऊपर मेजर्स की बात करी, वर्किंग टूगेदर एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कम्युनिटी एफर्ट, वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक सिचुएशन। सो फाइनली आप सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग सो मच पेशेंस, एंड आपके सारे अटेंशन के लिए, फॉर ऑल योर पेशेंस, थैंक यू सो वेरी मच। एंड प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन। ओके, थैंक यू डॉक्टर नुपुर मैडम, जो आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कोविड के बारे में बताया। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई के स्कूल्स, और इसमें से IAS राजा शिवाजी स्कूल्स, और मोस्टली स्टूडेंट जुड़े हुए थे कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी स्कूल्स, और माध्यमिक विद्यालय धारावी, शिशु विद्या मंदिर विद्यालय, एंड गुरुदत्त मित्तल विद्यालय के स्कूल्स के जो बच्चे हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इन सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को हमारा धन्यवाद, जो आपने लिसनिंग इस लेक्चर को बड़ी शांतिपूर्वक से आपने सुना, और इसके टीचर्स को भी धन्यवाद, हेड क्लर्क, स्टाफ मेंबर एंड प्रिंसिपल, सभी को हमारा धन्यवाद जो आज अपने लेक्चर को अटेंड किया। तो मैम ने आज सब कुछ आपको बताया कि कोविड को लेकर हमें किस तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करना है,
अभी बहुत स्कूल खुल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो अभी स्कूल के गेट पर एंट्री करते ही पहले क्या है, इसको थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, जिस बच्चे का टेम्परेचर है या कोई थोड़ा लक्षण दिख रहा, तो हर एक स्कूल में एक आइसोलेशन रूम होना चाहिए, वहां पर उस बच्चे को आइसोलेट किया जाए, रखा जाए अलग। और ऐसा नहीं कि टेम्परेचर दिख रहा है तो उसे घर की तरफ रवाना कर दिया, नहीं, उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाए, बुलाया जाए कि उस बच्चे में थोड़ा सा सिम्टम दिख रहा है, तो फिर पेरेंट्स उस बच्चे को अपने घर ले जाएंगे। और जब बच्चे एंटर कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के एंटर करें, एक दूसरे के साथ कंधे पर कंधे मिला के ना चले, हाथ मिला के ना चले, अलग अलग जाए, क्लास में एंटर करें। और स्कूल टीचर्स और जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे क्लास में एंटर करें तो उससे पहले क्या होना चाहिए, पूरा क्लास डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, क्लास के डेस्क नोब वगैरह, है ना, छुट्टी होने के उसके कुछ देर के बाद। फिर अगले दिन वो क्या होगा, क्लास रूम सैनिटाइज रहेगा और बच्चे आसानी से फिर उसमें कोई भी इन्फेक्शन होने की चांसेस नहीं होगी। और जब बच्चे बैठेंगे तो क्लास के रूम की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें मान लो सपोर्टेड किसी बच्चे में लक्षण नहीं है, अगर वो उसमें कोविड के वायरसेस है, वो लक्षण आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो छींक रहा, खांस रहा, या जैसे जो सांसें ले रहा, तो उससे क्या होगा, अगर वेंटिलेशन होगा तो हवा के थ्रू फ्रेश एयर आएंगे और वो एयर के साथ वो वायरस के जो कण है, जो लार है, वो सभी चीजें वो बाहर चली जाएगी। इस तरीके से इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को मास्क लगा के रहना है स्कूल में, स्टाफ मेंबर्स को भी मास्क में रहना है, तो ऐसे में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो और चीजें ये है कि बच्चे अभी जो स्कूल नहीं जा रहे तो उनसे भी ये है कि अभी डरने की बात नहीं है, बच्चों में इम्यूनिटी काफी हाई होती है, तो वो भी जाए स्कूल, अपने फ्रेंड से मिले, क्योंकि दो सालों से स्कूल्स बंद थे, बहुत सारे बच्चों को अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाए, स्ट्रेस में होंगे बहुत सारे बच्चे, तो ऐसे में क्या है कि अपने स्कूल्स जाए, मास्क लगा के जाए, सैनिटाइज करते हुए जाए। और जो न्यू वेरिएंट जो आया है उसका भी मतलब ये फैल रहा है, लेकिन ये भी क्या है, मास्क से, सैनिटाइजर से, सोशल डिस्टेंस से, इससे भी रोका जा सकता है। और पहले जैसे वेरियंट जो था, डेल्टा वेरियंट था, उसके जैसा इसमें क्या है, लक्षण नहीं है। तो आप लोग स्कूल जाएं, खेलें कूदें, लेकिन हाँ एक चीज को याद रखें, अपने जो भी चीजों को छूते हो अपने हाथ को सैनिटाइज करो, साबुन से धो या सैनिटाइजर से धो, मास्क पहन के रहो। तो स्कूल्स में आप एंटर जब भी करते थे, इन सभी चीजों को ध्यान रखो। तो अब बच्चों का भी कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, तो वो भी आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, तो मैं यहाँ अलाउ करता हूँ बच्चों को, वो भी पूछ सकते हैं। और न्यू जो वेरियंट है ओमिक्रॉन, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को हो रहा है जो बाहर से आए हैं, मॉडरेट रिस्क पर है, तो उन्हें वो कोविड हो रहा है या उनके ओमिक्रॉन हो रहा है या उनके संपर्क में आए हैं। तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है तभी पता चल रहा है कि हाँ ये ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है। तो बच्चों आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन या डाउट या क्वेरी, पूछो बेटा अपने क्वेश्चन पूछिए, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप वन बाय वन क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। ओके डॉक्टर नुपुर मैडम, क्या आई होप कि बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है, बच्चों ने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुना। यस सर। हाँ हाँ, तो बेटा आपको कोई क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर, सर ये जर्म्स सिर्फ नाक और मुंह के मुंह से ही फैलते हैं? नुपुर मैडम बताइए। आप सुन रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ देखो, ऐसा है, जो भी ये कण होते हैं जो मैंने आपको बताया, सपोज कोई व्यक्ति है जो किसी कोविड इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में है, ठीक है। अब माना उस व्यक्ति ने, जिसे कोविड 19 इन्फेक्शन हुआ है, उसने खांसा या छींका, ठीक है, तो उसके जो भी कण थूक के निकले उसके अंदर वायरस प्रेजेंट है, एंड खांसते और छींकते समय दे गेट आउट रिलीज इन द एयर। अब कोई हेल्दी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, ठीक है, वी ऑल आर ब्रीदिंग, ओके, वी टेक एयर इनसाइड टू ब्रीद, तो उसी एयर के साथ वी टेक दीज पार्टिकल्स ऑल्सो इनसाइड। एनी हेल्दी पर्सन, इफ सपोज वो पर्सन ब्रीद इन कर रहा है एंड दिस एयर गोज इनसाइड, या ही इज टॉकिंग, तो यू नो दिस एयर माइट गो इनसाइड हिज माउथ एज वेल, ओके, नाक से अंदर जा सकता है, तो एयर के साथ साथ ये कण जो उसके अंदर वायरस है ये भी अंदर चले जाएंगे। सो दैट्स हाउ थ्रू यू नो थ्रू योर माउथ दीज पार्टिकल्स कैन एंटर इनसाइड। ओके ओके ओके
ओके ओके या और भी किसी फ्रेंड का क्वेश्चन तो पूछिए बेटा, आप जल्दी से पूछ लो अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को, अगर आपके मन में कुछ भी शंका हो इससे लेकर। animals. The small, you know, small things at our personal level that we can take care of. Okay, suppose, for example, your cat is there. You have to provide the food. Before providing the food, I have told you the right way to wash your hands. Okay? Okay, you'll wash your hands, you'll clean the plate or the bowl in which you are going to give the food, and then, you know, you can keep the food near to the cat. Similarly, when you move out and you take care and you are wearing the mask and taking measures, you know, you are the same person who is coming back home. So if you take the measures, of course, you are protecting yourself from infection. No infection will be, you know, you'll not be causing any infection either to your family nor to your cat. So, you know, protecting indirectly, individually yourself. In that turn, you are taking care of the other people, including your pet at the home. So, you know, basic things, the basic that all the measures that I've told you, individually, you have to follow that. And, you know, keeping your the area where the cat sits that clean. Unnecessarily, you don't have to interact with the cat, you know. And while you're providing the food, clean your hands. These are basic things that we all can do, okay? Ma'am, can animals get Omicron and coronavirus? See, Omicron is a very new variant, very new, you know, virus that has come up. So right now, what Omicron can do, I cannot comment on it because still the studies are going on. Okay, we have some few number of cases in India as well. So the work is still going on. But you know, the measures that I have told you in general, that measures apply equally to both COVID and the other variants like Omicron of the COVID virus. Okay, so if you take care of those measures, you can take care of yourself from any kind of variant, you know, maybe alpha, beta, micron, delta, all of them. Okay, that is something. Excuse me, okay, madam. Thank you. Thank you. The reactions of patients we get coronavirus at the quarantine in the home only, and then to after 14 days we are not cured. Then what should we take? See, the 14 days time period that I have told you. Okay, I will come to that point where, you know, we have talked about isolation. See, generally, we have observed that this brief period of, you know, 14, 15 days or 2 weeks, during that period, the peak of the shedding of the virus, okay, that gets completely finished. No, shedding of virus means releasing the virus out. Because as soon as जैसे ही person infected है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो जो shedding of virus है that is going down over this 14 period time. Okay, yes, there are cases where they have seen that, you know, even up to 20-21 days also people are found to be shedding virus. Yes, that is there, but you know, this 14 days is a very broad average that is given. एटलीस्ट आप इन 14 से 15 दिनों के लिए अपने को आइसोलेट रखे ही रखें, somebody suffering because of infection. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. टाइम्स 150 मिनट्स हो चुका है. तो जितने भी बच्चे हमारे स्कूल्स के जुड़े हुए थे, सभी बच्चों को हमारा धन्यवाद, और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, जो आज के लेक्चर को आपने सुना, अटेंड किया. तो इस लेक्चर को यहीं खत्म नहीं करना है, इस लेक्चर को आगे तक बढ़ाना है. अपने दोस्तों को बताना है कि हमें क्या चीज़ हमने आज सीखा है, अपने पेरेंट्स को भी बताना है. तो थैंक्स अगेन ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैप्पी क्रिसमस डे इन एडवांस. ओके, हैव अ नाइस डे बेटा.